अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स आर आयंस टूगेदर टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने नाइन्थ में भी थोड़ा सा पढ़ा था। नाइन्थ में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, व्हाई एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे है कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, के एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन क्यों होते हैं। अब इसका जो सिंपलेस्ट आंसर है वो मैंने लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। दे हैव लिटल टेंडेंसी टू शो केमिकल रिएक्शंस। इट इज़ ड्यू टू स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हीलियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। नेक्स्ट है नियॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। ऑल द अदर एलिमेंट्स ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस बाई लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर कहीं पे भी आपसे कोई पूछे कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट आर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कि तमाम एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करें, इसलिए वो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह किस तरह से अटेन करते हैं, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल, ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा दिया हुआ है। टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड ऑक्टेट रूल। मैनी एलिमेंट्स डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। अब हमने जो नाइन्थ में पढ़ा था, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी कि एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। ये है बेरिलियम डाई क्लोराइड और Bf3। अब इसमें क्या होता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है इनके वैलेंस शेल के अंदर। आगे है PCl5 और SF6। इनमें क्या होता है, 8 से इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट बताया गया है हाइड्रोजन हैज़ डुअल टेंडेंसी, मतलब हाइड्रोजन की क्या होती है, दोहरी सलाहियत होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है लाइक इन HF। HF में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और गेन इलेक्ट्रॉन लाइक सोडियम हाइड्राइड, मतलब मेटल के साथ अटैच है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, के एनर्जी का क्या चेंजेस आते हैं जब आपस में एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। सपोज अगर हम इस डायग्राम को देखें, दो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब इनमें डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो फिर नीचे मजीद डिस्टेंस कम होगा, और एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पे इनका केमिकल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होती है। ये हाइड्रोजन का दिखाया गया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये हम ग्राफ बना रहे हैं इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी होती है फोर्स ऑफ रिपल्जन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है तो केमिकल बॉन्ड बनता है, अब अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करती है तब केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। यहाँ पे यही बात बताई गई है, व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर टू फोर्सेस एक्ट टूगेदर। कौन कौन सी दो फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स। इफ अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट देन बॉन्ड फॉर्म।
इफ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस।